मैं भी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़े हरी चटनी स्टफ करके। इसके लिए हम लेंगे ब्रेड और बेसन। सबसे पहले हम पकोड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं एक साथ पूरा पानी डालने से। जब अच्छे से घोल तैयार हो जाता है तब इसमें मसाले डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। चटनी के लिए लेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची और दही। अब ब्रेड तैयार करते हैं पकोड़े के लिए। तो ब्रेड के थोड़े थोड़े किनारे हटा के रखेंगे और स्क्वायर शेप में काट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। पकोड़े का घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं। इसी तरह से चटनी की थिकनेस भी मीडियम ही रखेंगे। अगले स्टेप में हम सभी ब्रेड पे इस तरह से चटनी लगा के तैयार करके रखेंगे। आप चाहें तो स्टफिंग में कोई भी दूसरी चटनी लगा सकते हैं। और कभी कभी जो रात में सब्जी बच जाती है या फिर हम सब्जी खाना नहीं चाहते तो वो सूखी सब्जी भी इसमें स्टफ करके बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अब सारे ब्रेड तैयार हो गए हैं, चटनी लगा के रख दिए हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। जो बेसन का घोल हमने तैयार करके रखा है उसमें अच्छे से डिप करके और मीडियम फ्लेम पे जो तेल गरम किया था उसमें हम डाल देंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सारे ब्रेड पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे ब्रेड के पकोड़े हमने तैयार कर लिए। क्योंकि हमने ये चटनी स्टफ करके बनाए हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।